नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले, एक क्वेश्चन वीडियो होने वाली है और उस वीडियो का टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ यजूज मजूज। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल सुना है और दोस्तों हमें वैसे इसको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसलिए दोस्तों हमारे जो एक सब्सक्राइबर था हमने उसकी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो में रिएक्शन करने वाले। इस वीडियो में क्या होने वाला है और क्या इंटरेस्टिंग, मतलब कि टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए दोस्तों मिलकर देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नीस्तो नाबूद और तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खून खार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ और सूरत अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरत कहफ में हजरत ज़ुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के 3 सफरों का हाल बयान किया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और उन 3 सफरों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन हैं। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरब की तरफ सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिजर तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। हजरत ज़ुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज गुरूब होता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समंदरी सफर जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वेस्ट के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था, वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई गजा नहीं थी उनकी। वो कौम नासिक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। अब ये सफर ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है,
उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसिक कहलाते हैं। इनकी कौम का नाम था मनसिक। हजरत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर था नॉर्थ की तरफ। यहाँ तक कि आप सदीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ भी आबादी अजीबोगरीब थी। उनकी जुबान बहुत अजीबोगरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। नाज़रीन, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी ग्रोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इन हदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि जिनों इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान 7 अरब लोग हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। और इनके 3 ग्रोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस, तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे ज़ायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं। और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ, छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हजरत ज़ुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें, हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई, इतना गहरा खुदवाया उसको कि उसको इतना खोदा क्या उसमें पानी निकल आया, और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी, यानी इस तरह की दीवार के पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के जमाने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, ये होता जा रहा है। मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि कयामत से पहले ये बाहर निकलेंगे तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी, फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कयामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं।
नाजरीन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठाकर ले जाएंगे। वो 6 चीजें कौन सी होंगी? नाजरीन कुर्बे कयामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये चीजें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम अलूम, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा, नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मुकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और नंबर 6 ये जो हमने मजकूरा 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी। ये चीजें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रूए जमीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा वो जरा सोचें आप। हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे, तो उसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का जहूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का जहूर होगा, उनका गोया खुरूज होगा। नाजरीन याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबो गरीब फसाद बरपा हो जाएगा। उनका खुरूज नहायत खतरनाक होगा, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला ग्रोह जब बहिरा तबरिया से गुजरेगा, एक बड़ा आप समझ लें कि समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर उसको इस तरह सुखा देगा कि जब वो दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं। बिल्कुल पानी सारा खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद कत्लो गारत से फारिग हो जाएंगे, सब लोगों को जब खत्म कर लेंगे, मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाहु अकबर। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे, अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएंगे, वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है, यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर एक बालस्ट जगह भी बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहां और कैसे दफनाया जाए, उन्हें कहां ले जाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी, वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे वहां जहां अल्लाह चाहेगा। अभी उनके जुल्म और ज्यादतियों की सजा मुकम्मल नहीं होगी, याद रहे ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है, उनको जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म ज्यादती कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म किया होगा, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे,
हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावते इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुठला दिया, इनकार कर दिया। और फरमाते हैं ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और उलादे इबलीस के साथ दोजख में जाएंगे, उनके मरने के बाद जमीन अमन सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगी और जमीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगाओ और अपनी बरकतें उगल दे और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक अनार को एक ग्रोह खा सकेगा और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध पूरी जमात को काफी होगा और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफी होगा और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा। गोया हर चीज में बरकत आ जाएगी। नाज़रीन, याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े से एक बात सोचने को मिलती है कि जमीन में कत्लो गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला जालिमों को एक दम खत्म करने पर भी कादर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता रहता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नम से निजात हासिल कर लें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई, इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग बताइए, जो इन्हें यजूज मजूज की बताइए, वो एक तरह से मतलब तरह से जानवर होते हैं और वो जानवर की खाल पहनते हैं और एक तरह से मतलब छोटी आंखें और एक तरह से इनका करेक्टर बताया गया इस वीडियो में उनका। हाँ, और बताया भी गया है कि वो किस तरह इस मतलब कि हमारी दुनिया में प्रवेश करेंगे और उनका क्या काम होगा और किस तरह लोगों को मारेंगे, कैसे परेशान करेंगे, तो काफ़ी कुछ बताया गया इस वीडियो में। हाँ, इस वीडियो में स्टार्टिंग में यही बताया कि जो इनके जो मतलब प्रोफेट जिबलिस थे वो मतलब यात्रा पे जाते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे जो सूरज है वो ढलता है, तो वहाँ पे उनको नए नए प्रजाति की कौम मिलती है, तो उसी में एक जो कौम होती है वो यजूज मजूज की होती है, जिनको जो एक तरह से कहते हैं कि मतलब काफ़ी बेरहम होते हैं, मतलब एक तरह से खतरनाक बोलते हैं उनको, कि वो इस वीडियो में दिखाया गया है। और बताया भी गया है कि मतलब कि वो किस तरह से आगे लोगों को किस तरह मारेंगे, किस तरह लोगों को सारा समुद्र पानी पी जाएंगे और ताकि पीने के लिए पानी बचेगा नहीं, लोगों का इतनी लाशें मतलब कि बिछा दी जाएगी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, फिर मतलब कि भगवान कुछ अपने बंदे भेजेंगे जो उन लाशों को ठिकाने लगाएंगे, ऐसा कुछ का मतलब कि एक बताया गया है। क्योंकि एक जो कलयुग का जो ये टाइम चल रहा है, इसमें आप किस तरह के पाप करेंगे और किस तरह आपके लोग आकर उनको मार मोर के व्यक्ति मतलब कि मुक्ति देंगे, सब कुछ बताया गया है इस वीडियो में। हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो ये स्टोरी है मतलब जो यजूज मजूज है, मतलब इनका जो वो कहना है, मतलब एक तरह से कुरान पे भी मतलब इनकी दे रखी है, जो इनकी जो आयत होती है कुरान में उनके बारे में बता रखा है जो यजूज मजूज है, और इस वीडियो में भी यही बताया है कि उनका एक तरह से जो करेक्टर बताया है और उनको बताया कि जो ये यजूज मजूज होते हैं वो जो इंसानों से 10 गुना ज़्यादा होते हैं, उनकी जो तादाद होती है मतलब। हाँ, देखिए दोस्तों, एक बात कितनी सच है कितनी झूठ है इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जितना भी हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट करी बनाने के लिए इस वीडियो, इसलिए हम इस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं दोस्तों। और ये वीडियो जहाँ तक जितने अभी सही है दोस्तों, वो तो मतलब कि देखने के ऊपर, 100 लोगों की सोच के ऊपर है, इसको ना मानना है या मानना। सो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो, अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें बनाएं। नमस्ते दोस्तों।